वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। विविधता से भरपूर देश भारत में, जहाँ एक ओर रईस लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हजारों मजदूर परिवार सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम की ओर चल पड़ते हैं। मन में सिर्फ एक ही भाव लिए, संतोष और सुख। परिवार का सुख, माँ बाप का सुख, पत्नी का सुख, औलाद का सुख। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। क्या मजबूरी रही होगी उस पिता की, जिसने अपने छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से आपके हवाले कर दिया। क्या इस पिता के सीने में दिल नहीं था, या दिल होने के बावजूद समाज ने उसे पत्थर बना दिया। आज कहानी सुनते हैं उन लोगों की, जो हमारी खुशियों में बुलाए या बिना बुलाए शरीक हो जाते हैं हमें दुआएं देने के लिए, ताकि हमारी झोली भर जाए। पर उनकी झोली का क्या, उनकी झोली हमेशा खाली ही रह जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। आइए मिलते हैं रेशमा जी से, सुंदर एवं प्रतिभावान, जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी। तो रेशमा जी, बताएं अपनी कहानी। नमस्कार। हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि जब हम 8 साल के थे तो कम्युनिटी वाले हमारे घर आए। हमारे मम्मी पापा को बोला कि तो हमारी बिरादरी के हैं, इन्हें हमारे साथ भेज दो। तो मम्मी पापा ने कहा तो आज भी तुम्हारे साथ जाना है और कल भी तुम्हारे साथ जाना है, तो कुछ समय हमें दे दो, कुछ पढ़ लिख जाए तो कुछ कर पाएगी। तो फिर घर वालों ने हमें पढ़ाया। 11वीं-12वीं तक जब हम पढ़ के वापस आए तो समाज से ताने आने शुरू हो गए, शिकायतें आने शुरू हो गई हमारे मम्मी पापा को, हमारे भाई बहनों को। ये तो ट्रांसजेंडर है, इनका काम है नाचना गाना। तो फिर हमें मजबूरी में सोसाइटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते थे कि हम सोसाइटी ज्वाइन करें, लेकिन जब हमने एक बार सोसाइटी ज्वाइन कर ली तो हमने सोचा कि जब हमारी किस्मत में यही है तो यही ठीक है। हाँ, हमने एक दो बार अपने पेरेंट्स से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें मना कर दिया। मम्मी ने तो कहा कि चलो ठीक है, मिल लेंगे, बोल लेंगे, चाह लेंगे, कुछ बात होंगी, लेकिन नहीं, हमारे भाइयों ने मना कर दिया कि नहीं, इनसे हम नहीं मिल सकते, हमारे समाज में इज्जत है, हमारा गलत बुरा पड़ता है। उनकी गालियों और तालियों से भी उठते हैं खून के छींटे, और ये जो गाते बजाते उधम मचाते हर चौराहे चौक पर उठा देते हैं अपने कपड़े ऊपर, दरअसल ये उनकी अभद्रता नहीं, ईश्वर से प्रतिशोध लेने का उनका एक तरीका है, जिसने उन्हें बनाया है या फिर नहीं बनाया है। आइए देखते हैं किन्नरों की दिनचर्या, किस प्रकार वे अपना दिन प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। जय माता जी, जय जीते रहो। हे भगवान, हे भगवान, सबको सबको सुख सुख, शांति दे शांति दे, सबको सबको रोटी दे रोटी दे। जय माता रानी, जय माता रानी। और इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए ये किन्नर अपनी टोली लेकर कहीं भी दुआएं देने, किसी के हंसी खुशी के मौके पर दुआओं को देने के लिए जाते हैं। देखिए किस प्रकार चलता है ये सिलसिला। अरे लालिया, तेरे को किसी के बच्चा बच्चा हुआ है क्या कहीं? अरे जी जा रहे, पता क्या कहीं कहीं शादी वादी हुई है क्या? आ जाओ आ जाओ। Yeah.
पे बैठ। और इसी के साथ बस्ती माता की जय, जो जिनके ऐसे हमसे पेट भरते हैं करते हैं, तो बस्ती माता की जय। लो भगवान का नाम और लो। एक थाली में आटा, कटोरी में चावल, कटोरी में चीनी, एक महंगी साड़ी, मारुति गाड़ी, 25,000 नगद, 1 सोने की अंगूठी, वो भी फटाफट विदाउट डिस्काउंट। दूसरों को दुआएं देते ये किन्नर, इनकी जिंदगी में कितना उजाला है और कितना अंधेरा, आइए जानते हैं। आपकी ऐसी दुख भरी जिंदगी में कोई ऐसी याद है जो बहुत ही यादगार हो? अरे क्या बताएं बेटी, ऊपर वाला भगवान ने हमारी झोली में औलाद का तो सुख लिखा ही ना है। पर ईद देखो, ईद दो है बिटुआ हमार, हमारे जिगर का टुकड़ा, ये बच्चा जन्म से ही अनाथ था, हमारे समाज ने इन सबको गोद लेके इनको पढ़ने लिखने, इनका कपड़े, इनका पढ़ाई लिखाई, रहने करने का सबका खर्चा उठाते हैं। इन दोनों पे ये समाज वाला कोई भी उंगली ना उठाए, इसलिए इनको हमारे से दूर हम हॉस्टल में रखते हैं। यही हमारा जीवन है, यही हमारा। क्या आपने कभी जॉब करने की कोशिश की है? हाँ गई थी 2-3 जगह, लेकिन हमारे चाल ढाल देख के, हमारे रूप देख के कौन देता है मुझे नौकरी। आपको जो पैसे मिलते हैं उस पैसे का आप क्या करते हैं? जो पैसे हमें बधाइयों से मिलते हैं हम उनको समाज सेवा में लगाते हैं, जैसे गरीब की बेटी की शादी करना, अनाथों को पढ़ाना लिखाना, विकलांगों की सहायता करना। जब हमारी गुरु माताओं को भी पता लगता है कि किसी गरीब की बेटी की शादी है तो खुद जाती है आर्थिक सहायता देने, और उनको ये भी बोल जाती है कि इस बात को शांति रहना, किसी को बताना नहीं है पैसे किसने दिए। फिर भी कुछ लोग हमसे प्यार से बात करते हैं और कुछ लोग हमें घृणा से देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है पहचान की समस्या। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग 16-17 लाख किन्नर हैं, परंतु इन्हें ना तो स्कूलों में, ना कॉलेजों में और ना ही सरकारी नौकरियों में ही स्थान मिल पाता है। किन्नरों की मदद के लिए भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, परंतु वे क्रियान्वित नहीं हो पाई और आजादी के 47 वर्ष बाद बहुत से प्रयासों से उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतदान का अधिकार ही मिल पाया। बिना कोई गलती किए सजा भोगना इनकी नियति बन गई है। समाज इन्हें हकारत की दृष्टि से देखता है। क्यों आखिर इन्हें इस तरह सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है? क्यों आखिर समाज इनके प्रति लचीला रुख नहीं अपनाता है? सवाल बहुत से हैं लेकिन जवाब नहीं। देखिए इन किन्नरों की उलझन। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इन लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ये पढ़ाई, ये पैसा इन लोगों को आंतरिक सुख नहीं पहुंचा पाता। इन लोगों का जीवन आम लोगों के जीवन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं। When I crossed my teenage, I felt like I am different from others, I am different from these people. I have totally different feelings from inside. I just can't express it. Yeah. I see my childhood in these kids and my childhood Netherlands. I miss my parents, my school, my children, my I miss everything. I really miss everything. I just can't. चलते हैं डॉक्टर मुदिता शर्मा के पास। ये अपने सोशल वर्क के लिए फेमस है। उनके विचार सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। लंबे समय से हम समाज के एक तबके को टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, हम उनके काबिलियत पर शक कर रहे हैं, हम उनके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं।
हम तो उनके इंसान होने पर ही शक कर रहे हैं। क्या हक है हमारा? दुनिया जो ऐसे किन्नर बच्चे पैदा होते हैं उन्हें मार देती है या फेंक देती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी ऐसे बच्चे पैदा हो उन्हें हमें सौंप दें, हम उनकी केयर करेंगे। आखिर वो भी इंसान हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। उनके जज्बात, उनका डर, सब कुछ हमारे जैसे हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया है विचार परिवर्तित करने का, अपनी सोच को बदलने का। ये तो कुदरती करिश्मा है। आप या मैं कोई भी इस अवस्था में हो सकते थे। तो आइए अपने मन से डर को हटाते हैं और कुदरत के इस करिश्मे को खुशी खुशी कबूल करते हैं।